पुराने पर्दे से भी आप हजारों रुपए बचा सकते हैं। जी हाँ, एकदम सच बात है। देखिए, ये है मेरा पुराना कर्टेन और ये इसकी जो रिंग्स है ना, ये पूरी ख़राब हो चुकी हैं और ये काफ़ी पुराना भी हो चुका है। तो आज मैं इसे बनाऊंगी बहुत ही ख़ास चीज़, और जिससे आपके तो मेरे पैसे तो बचे ही हैं, आपके ही पैसे बहुत बचेंगे। तो आज इस वीडियो में ना, मैं कोई कटिंग नहीं करने वाली हूँ, कोई स्टिचिंग भी नहीं करूँगी और पुराने कर्टेन को बहुत ही अच्छा नया लुक दूंगी। तो चलिए, अगर आपके पास भी कर्टेन हो तो पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर समझ में आ सके। तो देखिए, ये जो मेरा कर्टेन है ना, ये नॉर्मल ऐसे कर्टेन है जो हम सबके घर में होते हैं, नॉर्मल से कर्टेन है। और ये देखिए, थोड़ा सा शाइनिंग वाले हैं और ऊपर की तरफ जो इसमें प्रिंट है, तो मैं इसको प्रिंट को हटा दूंगी। तो आज पुराने कर्टेन से इस सोफे का मैं कवर बनाऊंगी, वो भी बिना स्टिचिंग, बिना कट। तो मैं सबसे पहले कर्टन को रख के देख रही हूँ कि कितना पोर्शन इसमें कवर हो रहा है। तो ब्लू जो प्लेन फैब्रिक है वो ज़्यादा है और प्रिंटेड वाला थोड़ा है, तो मैं प्लेन की तरफ से यूज़ करूँगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये कवर हो सके। तो मैं देखिए, सबसे पहले अंदर की तरफ इसको 4 इंच बढ़ा के पीछे से सेट कर लेती हूँ। तो पूरा जितना फैब्रिक इसमें आ जाएगा मैं इसमें इतना ले लूँगी, ठीक है। तो पीछे से पहले इसको दबा करके चेक कर लेंगे, उसके बाद जो हमारा ये अनसीड्स है ना, उसमें अंदर की ओर भी फैब्रिक दबा देंगे, 4-5 इंच आप दबा सकते हो। फिर ये उसमें टोटल जितनी भी लेंथ है आप इसको सेट कर सकते हो। तो ये जो फैब्रिक है, ये कपड़े में अपने आप जैसे पूरा अच्छे से सेट हो जाएगा और ये निकलता भी नहीं है। तो देखिए, अच्छे से सेट करने के बाद अब ये जितना भी एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो प्लेन भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, उसको भी मैं इसी में सेट कर लूँगी। लेकिन ये जो प्रिंटेड फैब्रिक है ना, अब इसको हटा देंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है और इसको यूज़ करेंगे किसी और प्रोजेक्ट में। अब प्रिंटेड जो फैब्रिक है, इसमें जो सिलाई लगी हुई है, इसको हाथों से उधेड़ लेंगे, उसके बाद आप इस तरीके से खींच लेंगे तो अपने आप ये पूरा अलग अलग हो जाएगा। तो देखिए, ये है प्रिंटेड फैब्रिक और ये भी बहुत अच्छा है, इससे आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल तो अभी इस वीडियो में सिर्फ सोफ़ा बना रही हूँ, सोफे का कवर और कुछ नहीं। वैसे इस फैब्रिक से आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। तो देखिए, ये पूरा तो हो गया कवर, बहुत अच्छे से हो चुका है और अच्छे से मैं अभी सेट करके भी आपको दिखाती हूँ। लेकिन ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप चाहें तो आप इसको भी कवर कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास प्लेन सोफ़ा है तो आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। लेकिन ये प्रिंटेड है और प्रिंटेड जो इसमें प्रिंट है, इसके संगे प्लेन इतना खुला अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने क्या करा अब यहाँ पर, अब आप चाहें तो यहाँ पर दूसरी, ये दूसरा ऑप्शन है, अब आपके पास अगर सेम कर्टन है तो, या फिर प्लेन फैब्रिक लेकर के, लेकिन मेरे पास एक और कर्टन है तो मैं इसमें क्या करूँगी, पूरी जो मैंने लंबाई नापी है वो है टोटल 15 इंच, तो 15 इंच प्लस एक और इंच ऐड कर लूँगी हिसाब से नीचे फोल्ड करने के बाद। तो ये पूरा 16 इंच का मैंने पट्टियाँ कट करी हैं 2, और इनको जोड़ करके इसमें हम प्लीट्स लगा लेंगे, तो एकदम बढ़िया सा सोफ़ा कवर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 1-1 इंच की प्लीट्स डाली हूँ, जैसे इस कर्ट में प्लीट्स होती है ना, सेम उसी तरीके से इसको इस तरीके से प्लीट्स डाल लेंगे और इसको पूरा कवर कर लेंगे। तो ये देखिए, पुराने पर्दे से मैंने पूरे सोफे को एकदम नया बना दिया है और ये बहुत सुंदर लग रहा है, आप ये देख रहे हैं। मैंने, अगर आप पहला अगर प्लीट्स नहीं लगाते हैं तो आपको इसमें कटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं, स्टिचिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें प्लीट्स डालते हैं तो आपको सिर्फ प्लीट्स को स्टिच करना है। अच्छा, एक और चीज़, मैंने जो कपड़ा बढ़ाया था तो आप इस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। ये देखिए, अंदर की तरफ भी दबाया है, थोड़ा थोड़ा मैंने 4-4 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि मान लीजिए आपको थोड़ा इसको और कवर करना है तो आप खींच करके इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोई भी डोरी नहीं लगाई है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे डोरी भी लगा सकते हैं। जी हाँ, देखिए, जैसे मैंने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक लिया है, आप इसको इस तरीके से कवर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये पूरा कवर हो जाएगा, फैब्रिक दिखेगा भी नहीं, आप इसको अपनी तरफ से कवर कर सकते हैं। और जो नीचे एक्स्ट्रा है वो तो गद्दे के अंदर चला जाता है। अब आप चाहें तो यहाँ पर एक डोरी लगा सकते हैं, एक यहाँ पर जिसको पीछे से लेकर के आप यहाँ पर, दो डोरियाँ एक यहाँ पर, एक टॉप पे लगा दिया और इसको यहाँ पे नॉट बांध दिया, और जो कि पीछे से अपने आप चली जाएगी और दिखेगी भी नहीं।
तो इस तरीके से सोफ़ा जो कवर है आपका बिल्कुल निकलेगा भी नहीं, चाहे कितना भी कोई बैठे। और जैसे कि ये मैंने दबाया है क्योंकि मेरी वॉल है पीछे, अगर आपके पीछे वॉल नहीं है तो आप डोरी लगा सकते हैं। और देखिए कितना अच्छे से ये पूरा फिट हो चुका है, इसमें कहीं से भी फैब्रिक नहीं दिख रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी डोरी बना सकते हो दोनों साइड से, बस आपको दो दो डोरियाँ अटैच करनी है, एक यहाँ से और बाकी उस साइड से। ठीक है, तो देखिए एक सिंपल कर्टन से कितना बढ़िया डिज़ाइनर मैंने सोफ़ा कवर बनाया है, और बिना कुछ नाप तोल के, कोई नाप तोल नहीं है इसमें, सिर्फ आपको रखना है, आपको इस तरीके से बनाना है। मैंने सोफा कवर बनाया है अपने पुराने कर्टन से, तो दो कर्टन यूज कर रहे हैं, उसमें हाफ पोर्शन बाकी है। ठीक है, और जो व्हाइट वाला पोर्शन है जो प्रिंटेड है वो फैब्रिक अभी बचा हुआ है, उसको मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगी। और ये पूरा फुल कवर है, कोई देखिए नीचे तक जो प्लीट्स है उससे बहुत का लुक बहुत सुंदर आ रहा है। आप अगर इस तरीके से मार्केट में खरीदेंगे तो फिटेड सोफा जैसे होते हैं, या फिर मार्केट में कुछ भी आप खरीदेंगे तो बहुत महंगे मिलते हैं, तो मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं करा है, सिंपल सिर्फ यहाँ पे नीचे बॉटम में प्लीट्स लगाई हैं। और आप चाहे तो डोरियाँ लगा सकते हैं ताकि पूरा फिक्स रहे, लेकिन ये बहुत फिक्स है दीवार से है, अगर आपको दीवार से थोड़ा सा दूर रखना है तो आप डोरियाँ लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।